हेलो गाइस एंड वेलकम टू इट फॉर मोटोराइड। तो आज का वीडियो नाला है टीवीएस जुपिटर 125 बीएस6 ज्यादा से भी ज्यादा का रिव्यू। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। और जो भी दोस्त को या फिर आपको बाइक स्कूटर खरीदना हो या फिर टीवीएस ब्रांड का कोई भी बाइक खरीदना हो तो आप चेकआउट कर सकते हैं शांत वीर टीवीएस उदगीर को, या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम हैंडल दिख रहा होगा मेरा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करो। या फिर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर मुझे कमेंट करेंगे तो आपको उसका आंसर भी दे दूंगा। जब तक मुझे नोटिफिकेशन आती है आपको आंसर साथ ही दे देता हूँ मैं। आपको जो भी क्वेश्चन हो या फिर क्वेरी हो तो आप आराम से मुझे क्वेश्चन आस्क कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। या फिर आपको कोई भी बाइक का रिव्यू चाहिए, टॉप स्पीड रिकॉर्ड या फिर माइलेज टेस्ट कुछ भी चाहिए तो आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझे, मैं आपको आंसर दे देता हूं, या फिर आपके लिए वीडियो भी बना दूंगा। आपको किसी बाइक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस स्कूटर के लुक्स की बात करते हुए। आपको फ्रंट में कुछ ऐसी हेडलाइट देखने को मिल जाती है, ऑल एलईडी यूनिट मिलती है हेडलाइट में। और आपको यहाँ पर आप इंडिकेटर्स देख सकते हैं, क्रोमिक फिनिश देखने को मिल जाती है फ्रंट में इंडिकेटर्स के साथ। और ये जो ब्लू कलर आता है अच्छा दिखता है, बहुत सूट करता है इस स्कूटर को। यहाँ पर आपको जुपिटर 125 की बैजिंग मिल जाती है 3D एम्बलम के साथ। और रियर का लुक कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप ग्रैब रेल मिल जाते हैं, इसी में आपको रेडियम टाइप देखने को मिलता है रेड कलर में। और रियर मडगार्ड का लुक देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट लुक मिलता है। और इसका सबसे अच्छा आपको जो लुक मिलता है वो इसके अलॉय व्हील का, देख सकते हैं आप अलॉय व्हील का लुक बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, थोड़ा डिफरेंट आता है ऑल स्कूटर्स के कंपैरिजन में। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की। इसके अंदर आपको इंजन मिलता है 124.8 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जिसकी पावर आपको 8.15 bhp मिलती है। और इसका जो टॉर्क मिलता है आपको 10.5 न्यूटन मीटर का मिलता है। और इसमें आपको किक भी मिलता है और सेल्फ स्टार्ट भी आ जाता है। और इस स्कूटर से आपको माइलेज मिलती है 50 km/h की। तो अब बात कर लेते हैं इसके सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। इसमें आपको जो सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिलता है इसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि आपको यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको ओडोमीटर, फ्यूल गेज मिल जाता है डिजिटल में। और इससे आप ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर आपको दो बटन मिलते हैं, ये आता है मोड बटन और ये आता है सेट बटन। और इसे मोड बटन से सेलेक्ट करने से यहाँ पर आपको माइलेज बताती है, जो प्रीवियस राइड की है उसका माइलेज 30 km/h। और यहाँ पर क्लॉक भी मिल जाता है, ओडोमीटर नीचे आता है ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ। और इसमें आपको क्लॉक भी देखने को मिल जाती है। और इसी में आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ आता है एक सर्विस रिमाइंडर, लो बैटरी इंडिकेटर, लो फ्यूल इंडिकेटर यहाँ पर आता है। और यह है इंजन चेक लाइट जो कि फ्यूल इंजेक्शन के लिए आता है। और यहाँ पर आपको वार्निंग लाइट देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको अपर डिपर मतलब पासिंग की लाइट यहाँ पर दिख जाती है। यहाँ पर i3s जैसा फीचर देखने को मिल जाता है, जो कि ए जैसा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। ये है इकोनॉमी मोड और पावर मोड, आपको ज़्यादा एक्सेलरेशन देंगे, मतलब इस स्कूटर को आप एक्सेलरेट करेंगे तो पावर मोड में चले जाएगी और पेट्रोल पीना ज़्यादा चालू कर देगी। और ये इको मोड में चलेगी तो जो आपको माइलेज कंपनी क्लेम करती है वही माइलेज आपको देखने को मिल जाती है। और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है, जो कि वर्टिकल फॉर्म में देखने को मिलता है। और स्विच गियर्स में आपको यहाँ पर आपको i3s ऑन ऑफ बटन देखने को मिल जाता है, उसी के नीचे सेल्फ स्टार्ट जो कि साइलेंट स्टार्ट होता है। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर आपको अपर डिपर, लो बीम, हाई बीम और उसी के नीचे पासिंग स्विच देखने को मिल जाता है। उसी में आपको मर्ज मिलता है और उसके नीचे यहाँ पर इंडिकेटर वाला बटन देखने को मिलता है, जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है। और ये हॉर्न वाला बटन येलो कलर में आता है, जो कि कुछ ऐसा साउंड करता है। आपको कैसा लगा बताना। और इसका डैशबोर्ड का लुक ओवरऑल ट्रिपल कलर कॉम्बिनेशन के साथ आता है, मैट ब्लैक और ये आपको ग्लॉसी ब्लू। और यहाँ पर आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाती है। और जो रियर व्यू मिरर आते हैं पूरा का पूरा लुक दे देते हैं, मतलब रियर का पूरा लुक आ जाता है। जैसे कि मैं एक्सपोज हो चुका हूँ, आपको रियर व्यू मिरर डुअल कलर कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, क्रोम प्लस मैट ब्लैक का आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है, जो कि इस स्कूटर के लुक को इन्हांस करता है। चाबी कुछ आपको ऐसी देखने को मिलती है। और यहाँ पर लॉक में आपको सब कुछ सिस्टम दिया गया है, एक ही चाबी में आपको सब कुछ सिस्टम मिल जाता है। ये ऑन कर सकते हैं यहाँ पर, और इसे आप प्रेस करके ऐसे करेंगे तो आपको जो फ्यूल कैप है, फ्यूल लिड यहाँ से खुल जाएगा। आपको फ्यूल टैंक जो फ्रंट में मिलता है, जो कि पहली स्कूटर ऐसी देखने को मिल जाती है जिसमें आपको फ्यूल टैंक फ्रंट में देखने को मिल जाता है, जो कि आपको पेट्रोल पंप पे उतरना नहीं पड़ता पेट्रोल फिलिंग कराने के लिए। और इसी में आपको सीट ओपन करने के लिए, हेलमेट रखने के लिए यहाँ पर इसे ऐसे प्रेस करते ही सीट आपकी ओपन हो जाती है। और जो आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलता है, जितने भी स्कूटी का मैंने रिव्यू किया है इतना बड़ा आपको अंडर सीट स्टोरेज देखने को नहीं मिलता। इसमें आप दो हेलमेट आराम से रख सकते हैं, पिलियन के लिए भी और राइडर के लिए भी। और इसमें जो स्टोरेज मिलता है आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, लगेज भी कैरी कर सकते हैं आप।
और इसी के साइड में आपको यहाँ पर आपको चार्जर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको चार्जर इनबिल्ट मिलता है और यहाँ पर आपको स्पेस थोड़ा बहुत देखने को मिलता है मोबाइल चार्ज करने के लिए या फिर कुछ भी रख सकते हैं आपके हिसाब से। और यहाँ पर आपको जो बूट स्पेस मिलता है अच्छा देखने को मिल जाता है राइडर के लिए। और ये आपको जो पिलियन के लिए फुटरेस्ट मिलते हैं रबराइज नहीं होते, ये हार्ड प्लास्टिक होता है, फिर मेटल कह सकते हैं आप, अच्छे ड्यूरेबल आते हैं ये। यहाँ पर आपको क्रोम की फिनिश देखने को मिल जाती है। एग्जॉस्ट का लुक आपने तो पहले देख ही लिया। इलेक्ट्रिकल्स की बात करूँ तो आपको हेडलाइट LED वाली मिलती है और इंडिकेटर्स पे आपको DRL देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में, जो कि एक अच्छा लुक दे देते हैं इस स्कूटर को। और आपको रियर में हैलोजन प्लस LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है। रियर में भी आपको DRL मिलते हैं और जो इंडिकेटर्स आते हैं वही आपको हैलोजन यानी बल्ब के मिलते हैं। टायर्स की बात करूँ तो आपको फ्रंट और रियर में सेम साइज़ के टायर मिलते हैं। फ्रंट में आपको 90-90-12 इंच का फ्रंट व्हील मिलता है विद अलॉय व्हील, और रियर में भी आपको 90-90-12 इंच का रियर व्हील देखने को मिल जाता है। सेम आपको टायर्स आते हैं, ट्यूब वाले आते हैं इसमें आपको टायर्स। सस्पेंशंस की बात करूँ तो आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोक मिलते हैं और रियर में आपको 3 टाइम एडजस्टेबल नाइट्रॉक शॉक अब्जॉर्बर देखने को मिलता है, जो कि सिंगल साइड आता है, एक ही आता है आपको रियर में। और ब्रेक्स में आपको फ्रंट में डिस्क ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि अच्छा खासा बड़ा डिस्क ब्रेक देखने को मिलता है। इसके एक्चुअल साइज़ मुझे पता नहीं है, लेकिन ये क्लोज टू 200 mm का आपको फ्रंट में डिस्क देखने को मिल जाता है और रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने को मिल जाता है आपको। तो ब्रेकिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने को मिल जाती है इस स्कूटर से। तो गाइस आप बात कर लेते हैं इसके सीट हाइट की, तो आपको 785 mm की सीट हाइट देखने को मिलती है। लेडीज़ के लिए बहुत परफेक्ट रहती है सीट हाइट, 5 फुट की भी आपकी हाइट है तो आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं। और इसका जो आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है 163 mm का मिलता है, सफिशियंट है इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से। और इसका जो आपको टैंक कैपेसिटी मिलती है 5.1 लीटर की देखने को मिल जाती है। माइलेज आपको 50 का देखने को मिलता है, तो आपको टैंक कैपेसिटी भी अच्छी मिल जाती है इस स्कूटर में। तो गाइस अब मैं आपको सुनाने वाला हूँ इस स्कूटर की आवाज़, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइस अब बात कर लेते हैं इस स्कूटर के ऑनरोड प्राइस की, तो आपको शांत विद TVS उदगीर में इस स्कूटर के ऑनरोड प्राइस डिस्क वेरिएंट की 1,09,000 रुपये देखने को मिल जाएगी, 1,09,000 रुपये आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपको TVS ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप शांत विद TVS उदगीर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो में मैंने आपको TVS जुपिटर 125 BS6 इस स्कूटर का फुल रिव्यू दे दिया। आपको कैसी लगी स्कूटर कमेंट सेक्शन में बताना। आपको इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना हो तो आप चैनल पर सब्सक्राइब करो और कमेंट कर सकते हैं, उसका मैं आंसर दे दूंगा। या फिर आपको कोई भी बाइक का रिव्यू चाहिए, स्कूटर का रिव्यू चाहिए, कार का भी रिव्यू चाहिए तो मैं आपको अवेलेबल करके दे दूंगा। और यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम का हैंडल दिख रहा होगा, उसे फॉलो करो, वो मेरी आईडी है। आपको वहाँ पर भी डिटेल में कुछ भी जानना हो तो आप वीडियो कॉल कर सकते हैं या फिर DM कर सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चन हो या फिर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप आराम से मुझे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसको स्कूटर खरीदना हो उसके साथ भी शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइज़।